आज हम देखेंगे जो ये अलाइड एंगल्स के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके एप्लीकेशन। बेसिकली आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे आपको बोला फाइंड साइन माइनस 315 डिग्रीज, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो इसकी वैल्यू निकालने का जो टेक्निक है वो आज हम समझेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको तो मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। जैसे साइन माइनस 315 इसको यहीं लिख लेते हैं, इसको कैसे निकालना है हम समझेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा प्रोसेस क्या होगा वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब इसका प्रोसेस होगा, सबसे पहला स्टेप कहता है रिमूव एनी नेगेटिव साइन। Remove any negative sign. दूसरा step उस process में कहता है express the angle in the form of 90 into n plus or minus theta. जहां पे n क्या है, positive integer. Express the angle in the form of 90 into n plus or minus theta. तीसरा step इसी question को solve करते time जो हमारा तीसरा step होगा वो कहता है कि find the quadrant and the sine of the trigonometric ratio. हमने साइन निकालना है। पहला स्टेप है रिमूव नेगेटिव साइन, दूसरा स्टेप है उसको 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा लिखो, तीसरा स्टेप है कि क्वाड्रेंट पहचानो, क्वाड्रेंट में उस रेशियो का साइन क्या होगा वो देखो, चौथा इसमें जो स्टेप है वो ये है इफ एन इज इवन, ये जो एन हमें यहाँ पे मिला, इफ एन इज इवन साइन जो है साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक जो है कोसेक रहेगा, और अगर एन ऑड है तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन जो है कॉट में बदलेगा, कॉट जो है टैन में बदलेगा, सेक जो है कोसेक में बदलेगा, कोसेक जो है वो सेक में बदलेगा। ये रूल हो गए हमारे। अब इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 315। अब प्रोसेस कहता है रिमूव एनी नेगेटिव साइन, रिमूव एनी नेगेटिव साइन। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, एंगल के आगे नेगेटिव साइन है, तो पहला स्टेप मेरा कहता है कि मैं इस माइनस साइन को हटाऊं। अब माइनस साइन, रिमूव एनी नेगेटिव साइन का मतलब मैं इसको ऑल टुगेदर हटा दूं, ये काम मुझे नहीं करना है, मुझे रूल्स फॉलो करना है। अब हमने एलाइड एंगल के रूल्स में देखा है कि जो माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और हमने ये भी देखा कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, एंड सो ऑन। तो अभी मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला देखना था। तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला है माइनस साइन थीटा, तो मैं सबसे पहला काम इसको लिख लूंगा माइनस ऑफ साइन 315 डिग्रीज। पहला काम मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप कहता है एक्सप्रेस द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 इनटू एन प्लस और माइनस थीटा। अब देखिए मुझे इस 315 को 90 इनटू सम नंबर प्लस सम नंबर ऐसे लिखना है, जहां पे थीटा, ये जो थीटा है दिस इज अक्यूट एंगल, थीटा इज अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मतलब एंगल विच इज लेस देन 90, या फिर एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। अब 90 प्लस माइनस थीटा कैसे लाऊंगा, मैं प्लस का करता हूँ, माइनस का हम बाद में करेंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये जो 315 है ना इसका फर्स्ट डिजिट हटा दो, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है हटा दो। अब 9 का हम टेबल पढ़ते हैं, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36। अब देखो 3 में भी आ रहा है 4 में भी आ रहा है,
थ्री और फोर में इस 31 के आसपास का नंबर आ रहा है। 9 3 27 इससे छोटा है, 9 4 36 इससे बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि 90 × 3 लिख सकता हूँ। तो हमें मिल गया 90 × 3 = 3 9 27, तो ये 270 हो गया। इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, हमें 45 मिल गया। तो मैं इसको 90 × 3 + 45 लिख लूँगा। तो इसको मैंने ऐसे तो स्प्लिट कर दिया। ये हमारी टेक्निक हो गई कि मैं 9 का इसका एक डिजिट मिटा के 9 का टेबल पढ़ता हूँ, जहाँ पे इसके आसपास के नंबर आ गए उस नंबर को मैं लिख दूंगा, जो डिफरेंस बचेगा उसको यहाँ प्लस माइनस व्हाटएवर जैसे भी होगा वो लिख लेंगे। अभी हम प्लस कर रहे हैं, माइनस वाला मैं फिर दिखाऊंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन, इंस्टेड ऑफ 315 मैं लिखूंगा 90 × 3 + 45। ये सारे एंगल जो है डिग्रीज में है, ये काम हमने कर दिया। थीटा इज अक्यूट एंगल, ये मुझे 45 डिग्री अक्यूट एंगल मिल गया। नेक्स्ट कहता है फाइंड द क्वाड्रेंट एंड द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मुझे यहाँ पे क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे उसकी भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, अभी फॉर द टाइम बीइंग देखिए 90 × 3 है। अब देखिए 90 × 3, तो मैं यहाँ 3 काउंट करता हूँ, 1 2 3। 90 × 3 का मतलब है 3 मैंने काउंट कर लिया। अब इस 90 × 3 में प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। 90 × 3 हो गया 270, उसमें मैं अगर कोई चीज प्लस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दैट मींस ये जो वैल्यू है कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मैंने माइनस साइन लिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे देखना है साइन का, ये जो साइन थीटा है इसका साइन क्या होता है। अब देखिए ऑल साइन टैन कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो हम माइनस साइन लगा लेंगे। देखिए ऑलरेडी जो माइनस साइन है वो इसकी वजह से, लेकिन अब मैं साइन माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन है। अच्छा साइन हमने क्वाड्रेंट पहचान लिया और साइन ले लिया। नेक्स्ट रूल कहता है इफ एन इज इवन साइन साइन रहेगा कॉस कॉस रहेगा, अगर एन ऑड है तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। अब यहाँ पे ये जो एन है ये ऑड है, तो सेकेंड रूल साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो मैं लिख लूंगा कॉस ऑफ 45 डिग्री, माइनस एन माइनस मेक्स प्लस, तो हमको प्लस कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये हमारा साइन माइनस 315 की वैल्यू मिल गई, साइन माइनस 315 हो जाएगा 1/√2। अब देखिए इसको एक और तरीके से करते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था, अगर मैं इसको माइनस करता तो क्या होता, क्योंकि यहाँ पे 90 × n प्लस थीटा या माइनस थीटा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 315 को 90 × 4, अब देखिए 90 × 3 किया था, 90 × 4 करते हैं तो 4 9 36, तो ये 360 हो गया। 315 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 हमारे पास बचेगा, तो हम लिख लेंगे 90 × 4 − 45। ये सारे एंगल जो है डिग्रीज में है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 315 के जगह लिख लेंगे 90 × 4 − 45। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन हटा लिया। सेकंड स्टेप मैंने एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 90 + −θ, तो मैंने पीछे मैंने इसी क्वेश्चन को प्लस थीटा के तरीके से किया था, अब हम माइनस थीटा के तरीके से कर रहे हैं। तो अब इसको लिख तो लिया, नेक्स्ट स्टेप कहता है फाइंड द क्वाड्रेंट एंड साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए 90 × 4 हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चीज है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहां पे आ गया। अब यहां से मैं कोई चीज अगर माइनस करूंगा वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, एग्जैक्टली यहां पे आ रहा है 4 × 90, मतलब इस लाइन पे आ रहा है। इसमें से मैं कोई चीज माइनस कर रहा हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब हमने क्या किया, माइनस लिख लिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या है, नेगेटिव, हमने अभी समझा था। फिर ये इवन है, इवन है तो हम क्या लिखेंगे, साइन
इफ एन इज इवन साइन साइन ही रहेगा, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस साइन 45, साइन 45 इज, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमने दो तरीके से करा, माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू मी। अब इसमें और एग्जांपल्स में बताता हूँ कैसे कैसे हम कर सकते हैं। इसके एक टेक्निक और है, वो एकदम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कॉस ले लेते हैं, कॉस 510 या रादर कॉस माइनस 510, माइनस 510 कर लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप रिमूव एनी नेगेटिव साइन। अब ये मुझे कॉस माइनस 510 दिया हुआ है, तो पहले तो मैं इसका माइनस साइन हटा दूं, तो मुझे मालूम है कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो मैंने इसको कॉस 510 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्रेस द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 इनटू एन प्लस माइनस थीटा। मैं प्रेफर करूंगा प्लस थीटा एंड नॉट माइनस थीटा, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अब 510 है, मैं इसका लास्ट डिजिट हटा देता हूँ, मेरे पास 51 बच गया। अब 9 का टेबल पढ़ता हूँ, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 5 और 6, 9 5 45 छोटा है, 9 6 54 बड़ा है, तो मैं 9 5 45 कर लेता हूँ। 90 × 5 विच विल बी 450, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 60 मिल गया मुझे। ये हो गया, देयरफॉर इस कॉस 510 को मैं लिख सकता हूं 90 × 5 प्लस 60, इतना तो मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने एक्सप्रेस कर लिया, जहां पे थीटा इज अक्यूट एंगल, ऑब्वियसली ये 90 और 0 के बीच में है। फाइंड द क्वाड्रेंट एंड द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मुझे क्वाड्रेंट पहचानना है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ गया। अब मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं एक एंगल प्लस करूंगा तो कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। दिस वैल्यू लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट पहचान लिया, मुझे साइन पहचानना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, दैट मींस कॉस नेगेटिव होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हमने पहचाना, तो कॉस हो जाएगा नेगेटिव, माइनस साइन ले लिया, तो माइनस साइन मैंने लगा दिया। अब आगे बोला है इफ एन इज इवन साइन साइन रहेगा, इफ एन इज ऑड साइन कॉस में बदलेगा। ये 5 ऑड है, मतलब कॉस जो है ये साइन में बदल गया, साइन ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस रूट साइन 60 होता है हाफ। ये हमारा आंसर आ गया, ये बात हमने समझी। अच्छा, कॉस 510, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1770 साइन ले लेते हैं, लेट्स से साइन 1770। अब मैं क्या करूंगा, 17, पहला तो काम है रिमूव एनी नेगेटिव साइन, इसमें नेगेटिव साइन तो है ही नहीं। दूसरी चीज है मुझे इसको 90 × n प्लस माइनस थीटा करना है, तो देखिए 1770 का ये जीरो हटा देता हूँ, 177, मुझे मालूम है 19 × 9 इज 171, 19 9 = 171, तो मैं इस 1770 को कैसे लिख सकता हूं, हमारे पास बच गया 60, तो हम इसको लिख लेंगे 60, देयरफॉर को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, ये लिख लिया। तो ये काम तो मेरा हो गया, फाइंड द क्वाड्रेंट एंड द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, 19 बहुत बड़ा नंबर है, मैं क्या काउंट करता रहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, तो
अब काउंट करना तो बड़ा टीडियस काम हो गया है ना। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आना चाहिए। अब इसका एक शॉर्टकट, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए 19, 27, 43 ऐसे कोई बड़े बड़े नंबर मिलते हैं तब हम क्या करेंगे। अब क्या कीजिए, इस 19 को 4 से अगर मैं डिवाइड करता तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाता, 3। तो मैं क्या करूँगा, ये क्वाड्रेंट है, रिमाइंडर 0 यहाँ पे, रिमाइंडर 1 यहाँ पे, रिमाइंडर 2 यहाँ पे, रिमाइंडर 3 यहाँ पे, ये मुझे ध्यान रखना है। अब देखिए 19 को जब मैंने डिवाइड किया मुझे रिमाइंडर 3 मिला, दैट मीन्स ये एंगल जो है मुझे कहाँ पे मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब उसमें अगर ऐड कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये ज़्यादा इजी तरीका है, डिवाइड करूँगा अगर रिमाइंडर 3 है तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा, अगर उसमें कुछ एडिशन हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑब्वियसली प्लस हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मैंने क्वाड्रेंट पहचान लिया, क्वाड्रेंट पहचानने के बाद मुझे क्या करना है, साइन निकालना है। अब ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मुझे मालूम है ऑल साइन टैन कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, दैट मींस दिस साइन मस्ट बी नेगेटिव, तो मैंने माइनस साइन ले लिया, ये चीज हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एन इज इवन तो साइन साइन रहेगा, एन इज ऑड तो साइन कॉस में बदल जाएगा। मुझे मालूम है ये 19 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो मैं लिख लूंगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर हम और भी एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे सपोज टैन दिया हुआ है मुझे, मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम नेगेटिव साइन है ही नहीं, हटाने की जरूरत ही नहीं, 1125, तो मैं इस 5 को हटा देता हूँ, 112, 9 का टेबल, 9 12s are 108 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 12 into 90 लिख लेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा 1080। ये हमने लिख लिया है ना, 12 into 90 plus 45, देयरफॉर ये जो tan है ये मुझे मिल गया tan ऑफ 90 into 12 plus 45, ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा, एक्सप्रेस द एंगल, ये तो हो गया। थर्ड स्टेप है मेरा फाइंड द क्वाड्रेंट एंड साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए ये 12 है, बड़ा नंबर है, तो काउंटिंग करने के बजाय 0, 1, 2 and 3, इस 12 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 3 12, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये यहाँ पे आ गया। अब उसमें प्लस हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये इवन नंबर है तो टैन टैन में ही रहेगा, तो हम इसको लिख लेंगे टैन ऑफ 45 डिग्री, टैन 45 होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया प्लस 1, सिंपल है ये। तो ये तो हमने देखा। अब इसके अलावा एक टेक्निक और है, मतलब ये तो हमने देखा 90 के मल्टीपल्स में करके इसको सॉल्व किया, ये इजीली सॉल्व हो गया, इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे साइन ऑफ 390 मिलता, ये कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए एक तरीका तो हम समझ चुके हैं कि हम नेगेटिव साइन हटाएंगे, फिर उसको 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, उसका क्वाड्रेंट पहचानेंगे, फिर इवन ऑड देख के ऐसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका है, मैं इसको 360, सबसे पहले तो इसको 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, एन टाइम्स 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखूंगा। अब देखिए ये जो 390 है, इसमें अगर मैं 360 माइनस करता हूं तो मुझे 30 मिलता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 360 प्लस 30। अब मुझे क्या करना है, 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, तो साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1 बाय
2, ये हमारा आंसर आ गया। एक तरीका तो ये भी है, बट इसमें क्या है, कई बार हमें बार 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 स्प्लिट करना पड़ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मान लीजिए टेन 1125 ही हमें दिया हुआ है, या टेन के बजाय कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से कॉस कॉस 1125 दिया हुआ है। अब कॉस 1125 दिया हुआ है, इस टेक्निक से मैंने सॉल्व किया, मैं इस टेक्निक से नहीं सॉल्व करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा कि इसको सबसे पहले तो 360 एन टाइम्स 360 हमने पढ़ा है, कॉस एन टाइम्स 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर मैं उसमें n टाइम्स 360 प्लस थीटा करता हूं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसको n टाइम्स 360 प्लस थीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए 360 इंटू 2 अगर करते हैं तो मुझे मिलता है 720, ठीक है। अब मैं 360 इंटू 3 करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 1080 मिल रहा है। अच्छा, ये इसके आसपास का नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या 360 इंटू 3, 360 इंटू 4, ये सारी चीजें मुझे करनी होती है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल हो जाता है, और कुछ नहीं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 360 इंटू 3 प्लस, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 45, ये आ गया। अब कॉस ऑफ n टाइम्स 360 प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, तो कॉस 45 मिल जाएगा, विच इज 1/√2। तो ये भी एक टेक्निक है, हम उसको 360 फिर 180 ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट से हमें एक एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ 570, लेट से टेन 570 ऐसा हमें दिया हुआ है। ये में दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए 570 जो है, इसको मैं, एक तो टेक्निक है ये 90 वाली, दूसरी टेक्निक से हम कर रहे हैं। अब देखिए 360 इंटू 2 हो जाएगा 720, वो इसके आगे निकल गया, तो मैं इसको सबसे पहले तो टेक्निक कहता है 360 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखूं। अब देखिए 570 360 हो गया 210, तो ये लिख लिया हमने। इसको क्या है, स्टेप वाइज स्प्लिट करते जाओ। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें से 360 निकाला, 360 निकाल दिया। अब मुझे मालूम है 360 प्लस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ 210, पहला काम मैंने कर लिया। अब मुझे मालूम है 360 प्लस थीटा यहाँ पे आता है, तो टेन ऑफ 360 प्लस थीटा या लाइट एंगल्स के फॉर्मूले जो हमने पढ़े हुए वही है। अब इस 280 को मैं क्या करूंगा, 360 हो गया, 270 या 180 से कंपेयर करूंगा। अब देखिए 180 से कंपेयर कर सकते हैं, 180 प्लस 30 लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख लेंगे टेन ऑफ 180 प्लस 30। अब टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, मुझे मालूम है ऑल साइन टेन कॉस, 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, तो 180 प्लस थीटा का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। 180 प्लस थीटा कहता है टेन थीटा, तो मैं इसको लिख लूंगा टेन 30, टेन 30 का फिर मैं वैल्यू डाल दूंगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यूसली स्प्लिट कर करके आंसर निकाल सकते हैं। जो भी इजी लगे हम उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस अलाइड एंगल के पे बेस्ड और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे हम अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले यूज करेंगे। आपको बोला है प्रूव दैट टेन 90 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन अपॉन साइन 180 प्लस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे,
इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब हम इसको वन प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलेज लगाने और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, याद रखिए ये क्वाड्रेंट हो गए 0, 90, 180, 360, sorry 270 and 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ आएगा, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा यहाँ आएगा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दूसरी चीज ऑल साइन टैन एंड कॉस है ना, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ये चीजें हमें पॉजिटिव मिलेंगी, बाकी चीजें हमें नेगेटिव मिलेंगी। ये बात तो हमने समझी हुई है। फिर हमने देखा है इस वर्टिकल लाइन यानी कि 90 और 270 चेंज यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में एंड सो ऑन, एंड 180 और 360 यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज। ये रूल हमने पढ़ा था। अब इस रूल को हम यहां अप्लाई करते हैं। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में चेंज होता है तो टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। मोर ओवर टैन पॉजिटिव होगा तो हम इसको कॉट थीटा लिख लेंगे। सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहां पे आता है, यहां पे सेक नेगेटिव है तो सबसे पहले मैं माइनस साइन लगा देता हूं। 180 में नो चेंज मतलब सेक जो है सेक थीटा ही रहेगा। साइन माइनस थीटा, मुझे मालूम है माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यहां पे साइन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन, मुझे साइन 180 प्लस थीटा दिया हुआ, 180 प्लस थीटा यहां पे 180 में, 180 प्लस थीटा यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव तो मैं पहले इसका साइन लगा लेता हूं। दूसरी चीज 180 में नो चेंज मतलब साइन जो है साइन ही रहेगा तो यहां पे हम लिख लेंगे साइन थीटा। cot 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे cot क्या है नेगेटिव तो सबसे पहले मैं नेगेटिव लिख लेता हूं। 360 में नो चेंज मतलब cot जो है cot ही रहेगा। cosec 90 माइनस थीटा, अच्छा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 90 में चेंज तो cosec किस में बदल जाएगा sec में, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये sec से sec कैंसिल यहां माइनस वन बचा, साइन से साइन कैंसिल यहां माइनस नहीं बचेगा, ये माइनस एंड माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, cot से cot कैंसिल हुआ माइनस वन बचा, माइनस वन कैंसिल हमारे पास वन बच गया। सिंपल प्रूव हो गया ये है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे बोला प्रूव दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, हमें क्या करना है वापस वही, ये है आपका 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ये 180 वाली लाइन, 180 360 वाली लाइन है, ये 90 270 वाली लाइन है। मुझे मालूम है 90 270 में चेंज होगा, 180 360 में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ऑल साइन टैन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल टैन का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल, फॉर्मुलेज बनाते जाते हैं। कॉट ए को एज इट इज छोड़ देते हैं, टैन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, 180 में नो चेंज तो टैन टैन थीटा ही रहेगा। टैन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे टैन नेगेटिव होता है और 90 में चेंज हो जाता है टैन किस में कॉट में। फिर आगे है प्लस टैन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन होता है नेगेटिव, मैंने माइनस साइन लगा लिया, 360 में नो चेंज मतलब टैन टैन ही रहेगा, टैन ए से टैन ए कैंसिल, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, हमें जीरो मिल गया आंसर। ये हो गया हमारा प्रूफ।
नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो है नेगेटिव होता है, 270 में चेंज, सेक जो है कोसेक में बदल जाएगा, सेक 90 माइनस ए, अब सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 90 में चेंज होता है, सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक ए में, ये हो गया। इसके आगे हम लिखेंगे माइनस टैन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, ये माइनस पहले से था, माइनस को एज इट इज रहने देंगे, 270 में टैन जो है कॉट में बदल जाता है तो हम इसको कॉट ए लिख लेंगे। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन होता है नेगेटिव, मैंने माइनस लिख लिया, 90 में चेंज तो टैन किस में बदल गया, कॉट में प्लस वन, ये हमें मिल गया। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस कॉट स्क्वायर्ड। अब मुझे मालूम है कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ये आइडेंटिटी है हमारे पास, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं कोसेक स्क्वायर को यहां वन को यहां भेजता हूं तो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर ये मिल जाएगा, दैट मींस माइनस कोसेक एंड कॉट ये दोनों मिलके बन जाएगा हमारा माइनस वन, ये प्लस वन है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, हमें जीरो मिल जाएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो हमें मिल सकते हैं। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकते हैं इवैल्यूएशन के जो कि अब आपको बन जाने चाहिए, मैं आपको जस्ट एक उसका आउटलाइन दे देता हूँ कैसे होंगे। जैसे अभी हमने देखा था 270, 360, सॉरी 540 इस टाइप के वैल्यूज कैसे निकालना है ये हमने समझा था, है ना। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोल सकते हैं साइन 1770 इंटू कॉस 510 प्लस कॉस 390 इंटू टेन लेट्स से 470 इज इक्वल टू, ये वैल्यूएट करना, ये इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना, इंडिविजुअली हर वैल्यू को वैल्यूएट करना होगा। दो टेक्निक्स हमने सीखी है, एक तो 90 इंटू एन करके करेंगे, दूसरा 360 निकालेंगे, 180 निकालेंगे, 90 निकालेंगे एंड सो ऑन। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, सबको पुट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आते जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो हम वैसे देखा जाए तो हम कर चुके हैं, वैल्यूज बस निकाल के पुट करते जाना है।